यही भावना हिंदुओं के देवताओं पर लागू क्यों नहीं? खाड़ी देशों के रवैये पर खुशी मना रहे लोगों पर भड़की रूबिका ले आकर जनता ने दी प्रतिक्रिया। एक तरफ जहां भाजपा ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्यवाही करते हुए पार्टी से बाहर कर दिया, वहीं पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी का विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। कई खाड़ी देशों ने भारत के राजदूतों को तलब किया और माफी की मांग की। कुछ देशों ने तो विरोध में भारतीय सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर ट्विटर पर कुछ लोग प्रतिक्रिया देते हुए अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर पत्रकार रूबिका लियाकत भड़क गई। रूबिका लियाकत ने ट्विटर पर लिखा कि हैरानी होती है उन पर जो अरब देशों में हिंदुस्तान के सामानों पर बैन को अपनी जीत मान रहे हैं। नुकसान दोनों का है, किसी एक का नहीं। हुजूर की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन यही भावना हिंदुओं के भगवानों पर लागू क्यों नहीं? इज्जत देंगे तब पाएंगे भी, बात कड़वी लगेगी। रूबिका लियाकत के इस बयान पर जनता ने भी जवाब दिया है। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट करके लिखा, लीची की फोटो पोस्ट करने वाले जेल में है, वहीं हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले भाजपा के पूर्व नेताओं को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी भी धर्म के आराध्य की बेअदबी, ये दोहरा मापदंड क्या रूबिका लियाकत को नजर नहीं आ रहा है? जहां तक बैन का सवाल है तो ये नौबत कौन लाया? पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने ट्वीट करके लिखा, वाह वाह मोहतरमा रूबिका लियाकत, आपके दर्द को समझ सकता हूँ, सच बोलने की हिम्मत चाहिए जो आपके अंदर नहीं है। पत्रकार जफर सैफी ने ट्वीट करके लिखा, हुजूर की शान में गुस्ताखी ना बर्दाश्त काबिल है। रियली, कितनी बार टीवी पर बैठकर हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों की मजम्मत की है आपने? स्वामी सिर्फ भारती नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मैडम हैरानी तो उन गोदी मीडिया चैनलों और उनके एंकरों पर होती है जो पूरे दिन चार लफंगों को अपने स्टूडियो में बैठाकर उनकी मुर्गा लड़ाई करवाता है। सोचना मैडम कि पूरे दिन धर्म और मंदिर मस्जिद पर होने वाली डिबेट के लिए गोदी मीडिया कितना जिम्मेदार है? देश की इज्जत पर बट्टा क्यों? एबीपी न्यूज एंकर के बयान पर आ रहे रिएक्शंस का सिलसिला लगातार जारी है। आप रूबिका लियाकत के बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे।